हायर होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी द लेबर सप्लाई कर भी यूजली जैसे हम पढ़ते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा अपवर्ड स्लोपिंग होगा के ज्यादा वेज जो है वो वर्कर्स ज्यादा काम करने के लिए ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिवली स्लोप्ड वाइल द लेबर डिमांड कर भीज द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर व्हेन द एफिशिएंसी वेज द एफर्ट लेवल और लेबर डिमांड कर्व क्लासिकल मॉडल में तो आपको याद होगा कि लेबर डिमांड कर्व हमने ड्राइव किया था कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो कर्व होता है वही लेबर डिमांड कर्व होता है तो अब कैजियन मॉडल में और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करती है आपके प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करती है आपके कैपिटल स्टॉक पे डिपेंड करती है लेकिन अब कैजियन मॉडल में एक एडिशनल फैक्टर भी है कि वो आ, उसकी एफर्ट लेवल पर भी डिपेंड कर रही है ठीक है उसकी वेज एफिशिएंसी वेज उसके एफर्ट लेवल को डिटरमिन करती है और uh, उसकी मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो उस पर भी डिपेंड करेगी सो द डिफरेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड का रिजा अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो लेबर मार्केट में अगर लेबर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो ऑबियसली दिस विल बी द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द फैक्ट दैट देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट पुट स्नो डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रियल वेज सिंस फ्राम स्नो दैट इफ़ दे रिड्यूस द रियल वेज एफर्टेबल डिक्लाइन कि इवन मार्केट में अगर यानी जो गोइंग वेज रेट है उस पर अनएम्प्लॉयमेंट है यानी ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं अवेलेबल है फर्म के लिए लेकिन फर्म इसके बावजूद वेज में कमी नहीं करेगी इसलिए कि फर्म जानती है कि वेज में कमी करने से वर्कर्स की एफर्ट लेवल में कमी वाकई हो जाएगी तो जाहिर है हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि वो पर डॉलर मैक्सिमम एफर्ट चाहती है तो इसलिए वो जो एफिशिएंसी वेज वहाँ से डिटरमिन हो रही है फ़र्म कभी भी उसको कम नहीं करना चाहेगी अगर अगरचि मार्केट में लोग अवेलेबल होंगे लेकिन फर्म उन्हें हायर ही नहीं करेगी उसे पता है कि जब इन्हें हायर करेगी लोअर वेज पर तो ये हमारे लिए उतने प्रोडक्टिव और एफिशिएंट नहीं होंगे सो इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर हम लेबर ले रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर हम रियल वेज ले रहे हैं ओके लेबर डिमांड कर्व है तो इसको हम यानी क्लासिकल या इससे पहले जो हम लेबर डिमांड का उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर स्टार पुट किया है इसका मतलब ये है कि क्लासिकल में तो लेबर डिमांड जो थी वो डिपेंड करती थी प्रोडक्शन फंक्शन पर कैपिटल स्टॉक पर यहाँ ये इसके अलावा एडिशनली इस पर भी डिपेंड करती है कि वो उनकी एफर्ट लेवल क्या है सो so, जैसे प्रोडक्टिविटी में इजाफा होने से लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता था या कैपिटल स्टॉक में इजाफा होने से लेबर डिमांड कराइट पर शिफ्ट हो जाता था इसी तरह से उनकी जो एफर्ट लेवल अगर चेंज हो जाता है तो दिस विल बी अनदर काज टू शिफ्ट द लेबर डिमांड कर्व टू द राइट सो ये लेबर सप्लाई कर्व है ये वैसे ही है जैसे इससे पहले हम पॉजिटिवली स्लोप्ड है कि हायर वेजेस जो हैं वो वर्कर्स को माइल करती हैं कि वो ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाए ओके सो ये इक्बरियम वेज है अगर ये हो तो इसका मतलब है मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई बराबर है और देर इज नो अनएम्प्लॉमेंट लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि फार्म्स जो है वो क्या वेजेस ऑफर करेंगे। एफिशिएंसी वो मार्केट की जो यानी एकम वेज है वो वाली ऑफर नहीं करेंगी वो एफिशिएंसी वेज ऑफर करेंगी और एफिशिएंसी वेज कहाँ से डिटरमिन हो रही है हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि वो उनके एफर्ट लेवल के कर्व्स से जहाँ से फॉर्म्स को पर डॉलर मैक्सिमम एफर्ट मिल रही है वर्कर से एक्चुअली वो वो वेज जो है वो वो एफिशेंसी वेज है तो वो फिक्स है एज लॉन्ग एज वो एफर्ट कर वो उनका चेंज नहीं होता है, तो एफिशिएंसी वेज चेंज नहीं होगी तो इसलिए डब्ल्यू स्टार इज एफिशिएंसी वेज और ये हॉरिजेंटल लाइन ये फिक्स है अब एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ से रहे? इस इस वेज पर कितने लोग काम करना चाहते हैं काम करने जो चाहते हैं फर्म्स इतने ए पॉइंट जो है वो बताता है कि फर्म्स कितने वर्कर्स को हायर करना चाहती है और ये बी पॉइंट बता रहा है कि इस वेज पर कितने लोग काम करना चाहते हैं तो ऑबियसली ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं लेकिन फॉर्म्स जो हायर करेगी वो ए लोगों को हायर करेगी सो so, ये जो डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी दिस इज़ द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इस एफिशिएंसी वेज पर मार्केट में ठीक है एन एस वन जो है दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई लेकिन फॉर्म्स हायर कर रही है एन बार को तो ये मार्केट का अब एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन होगा जहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो एफिशिएंसी वेज लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ये ये मार्केट का इक्विलिब्रियम लेवल होगा ये मार्केट का एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा और इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कह सकते हैं इस इस अगर चाहे इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अनएम्प्लॉमेंट मौजूद है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट हम इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि वो जो क्लासिकल एम्पन है कि इसमें तमाम प्राइसेस वेजेस तमाम फुली एडजस्ट हो चुकी हैं ठीक है उनकी तमाम एडजस्टमेंट के बाद ये एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन हो रहा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको आ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के मॉडल में ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाएगा ओके सो एफिशिएंसी बेच थ्योरी मैच अप विद द डाटा यस इट सीम्स टू हैव वर्क फॉर हेनरी फोर्ड ने इसको ट्राई किया था और बिल्कुल वहां पर ऐसा ही हुआ था कि वेज बढ़ने से एफिशिएंसी और वेज देने की वजह से उनके प्रोडक्शन में इजाफा हुआ था प्लांट्स डेट पे हायर वेजेस अपीयर टू एक्सपीरियंस लेस शिरकिंग जो हमने शुरू में बात की थी कि ये कैरेट एंड स्टिक वाला जो है इशू है कि जब उनको वर्कर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो फिर वो इस बात का भी रिस्क नहीं लेते कि वर्क शिरकिंग करें और किसी वजह से उन्हें वहाँ से फायर कर दिया जाए so but the theory implies that the real wage is completely rigid, whereas the data suggests that the real wage moves over time and and over the business cycle. साइकिल तो इस जो अब तक हमने पढ़ा इसके मुताबिक तो ये कि फिर जब तक आपका एफर्ट कर चेंज नहीं होगा उस वक्त तक रियल वेज में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होगी तो रियल वेज इज़ फिक्स लेकिन empirical डाटा क्या शो करता है कि रियल वेज जो है ये रिसेशन में और boom में इसमें changes आती हैं फिक्स नहीं होती रिसशंस में रियल वेज कम हो जाती है और बूम में रियल वेज में इजाफा हो जाता है तो इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इट इज़ पॉसिबल टू जेजअप द मॉडल टू अलाउ फॉर द एफिशिय वेज टू चेंज ओवर टाइम कि जी एफिशेंसी वेज ओवर टाइम चेंज हो रहा है इसको वर्कर्स वुड बी लेस लाइकली टू शेर एंड वुड वर्क हार्डर ड्यूरिंग अ रिसेशन इफ द प्रोबिलिटी ऑफ लूजिंग देयर जॉब इनक्रीजेस उसका वो क्या आंसर करते हैं वो कहते हैं कि रिसेशंस में वर्कर जो है वो वर अपने जॉब को मतलब लूज़ करने का रिस्क चूँकि अब वो अगर अब उन्हें रिसेशन के अरसे के दौरान अगर उनको फारो किया जाता है तो उन्हें मार्केट में जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे तो इसलिए वो ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे और रिसेशन में फिर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे कि किसी वजह से उनको जॉब से फारो होना पड़े तो वो ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे और ज़्यादा एफर्ट पुट करने का मतलब क्या है कि वो अगर एफर्ट लेवल जो फिक्स था पहले वो अब पहले से कम रियल वेज पर वो एफर्ट लेवल फॉर्म अटेन कर सकती है ठीक है एफर्ट कर अगर आप रिकॉल करें वो जब आपका अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो उससे रियल वेज जो है वो कम हो जाएगी सो रिसेशन में रियल वेज कम हो जाएगी और इसी तरह से बूम में रियल वेज में इजाफा हो जाएगा सो दिस वुडर्ट कर्व टू राइज एंड मेक ऑल द एफिशंसी वे टू डिक्लाइन इन सम वट ओके और दिस वुड लीड टू अ लोअर रियल वेज रेट इन रिसेशन विच इज़ कंसिस्टेंट विद द डाटा ये इस तरह से एम्पेरिकल डाटा के साथ इसको कंसिस्टेंट बनाते हैं कि रिसेशनस में जब बेरोजगारी है इकोनॉमी में तो जो वर्कर्स हैं फिर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे और वो ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे एफर्ट कर्प शिफ्ट हो जाएगा एफर्ट कर् शिफ्ट, हो कर शिफ्ट होने की वजह से फिर वो एक जो गिवन लेवल ऑफ एफर्ट था वो पहले से कम रियल वेज पर फॉर्म हासिल कर सकेगी इस इस तरह से रिसेशन में रियल वेज कम हो जाएगी और बूम में उसमें इजाफा हो जाएगा सो एफी लाइन एफी लाइन इज वर्टिकल एफी लाइन आप कैसे हम ड्रा करते थे ठीक है वर्टिकल एक्सेस पर इंटरेस्ट रेट लेते हैं और हॉरिजेंटल एक्सेस पर आपके इम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल है तो एफी लाइन इज स्टिल हेयर वर्टिकल एज इन द क्लासिकल मॉडल सिंस फुल इम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज डिटर्मन इन द लेबर मार्केट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रियल विच बट इन द कैंजियन मॉडल चेंजिज इन लेबर सप्लाई डोंट अफेक्ट द एफी लाइन सिंस द डोंट अफेक्ट दिब्रियम क्लासिकल और कैंजियन मॉडल में एफ ई लाइन में फ़र्क क्या होगा एफी लाइन तो कॉमन क्या है कि दोनों में एफी लाइन वर्टिकल है ठीक है इट इज़ इंडिपें फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रियल इंटरेस्टेड लेकिन डिफरेंस क्या है क्लासिकल मॉडल में लेबर सप्लाई में इजाफ़ा होने से एफ लाइन राइट वर्क शिफ्ट कर जाती थी एंड एंडवाइस फर्सा लेकिन यहाँ पर केंजियन मॉडल में लेबर सप्लाई में इजाफा होने की वजह से एफ लाइन राइट वर्क शिफ्ट नहीं करेगी लेबर सप्लाई एक्चुअली आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल को अफेक्ट ही नहीं करेगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन हो रहा है बाई द डिमांड कर सो अ चेंज इन प्रोडक्टिविटी डज अफेक्ट द एफी लाइन सिंस इट अफेक्ट्स द लेबर डिमांड तो क्लासिकल मॉडल में क्या था कि लेबर सप्लाई की वजह से एफी लाइन शिफ्ट हो जाती थी प्रोडक्टिविटी में इजाफे की वजह से प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से उसमें चेंजेस आ जाती थी और इसी तरह कैपिटल शॉक की वजह से तो यहाँ पर लेबर सप्लाई की वजह से तो चेंज नहीं आएगी लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता तो यस इट विल अफेक्ट द एफी लाइन और लेबर डिमांड का चेंज होगा और ये उसको चेंज कर देगा सो ओके थैंक यू